अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटर रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं ये होंडा ग्रेस। होंडा ग्रेस 2015 मॉडल है। ये 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है। 1500 सीसी हाइब्रिड इंजन इस गाड़ी के अंदर आता है। दो पैकेजेस पाकिस्तान में नॉर्मली इम्पोर्ट होते हैं, TX और LX। इसके फीचर वाला सिस्टम भी बिल्कुल होंडा इनसाइड की तरह का है। उसमें TX और LX दो पैकेज आते हैं, तो ये टॉप ऑफ द लाइन TX पैकेज है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस ब्रैकेट है, किस प्राइस में आपको मिलती है। 15 मॉडल 19 की इंपोर्ट, फुल ऑप्शन पैडल शिफ्टर्स वगैरह हर चीज़ इस गाड़ी के अंदर आती है, जो कि फुल ऑप्शन गाड़ी के अंदर मौजूद होती है। जिस गाड़ी की आस्किंग प्राइस कर रहे हैं वो है 35 लाख रुपये इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। शो बिजनेस खरीदने में नसीब जी स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। या मजीद मालूम आपके लिए मीरान मोटर्स मेन DHL लाहौर में शोरूम है, आके जरूर विजिट करें। अब स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के स्पेक्स एंड फीचर। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ लगी वो प्रोजेक्शन हेडलैम्प से, जो कि दोनों दो मिलते हैं आपको, वो नहीं है कि एक होगा हाई लो स्विच के साथ होगा। उसके अलावा ये वाली जो शेप है ना, न्यू होंडा सिटी भी आपने देखी है, जो कि फुल टेल मॉडल है। मैं बार बार इसी की फुल टेल कहता हूँ, मुझे मार्केट में नज़र नहीं आती। अब जो लोग कहते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो देखें अभी तकरीबन 7-8 माह होने वाले हैं, कितना टाइम चाहिए गाड़ी में करने के लिए। होंडा सिटी से ये गाड़ी किस तरह बेहतर है, ये बात आज मैं इस वीडियो पर करूँगा। देखिए आपको 35 लाख में अब कोई क्या यूज गाड़ी है वो जीरो मिलते हैं, तो ये लेक मच बेटर। और सबसे बड़ी बात 1.5 लीटर हाइब्रिड है, 3 लीटर से फ्यूल है, जिसकी आपको अच्छी फ्यूल अभी जाती है। उसके अलावा इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये गाड़ी काफ़ी ड्यूरेबल है। लहरें उसमें आते हैं, आप अगर लेने जाएँ तो इस होंडा सिटी 1.2 CVT में भी आपको लैरियन का ऑप्शन नहीं मिलता। तो मतलब आप यहाँ से अंदाजा कर लगा लें कि लोकल में आपको कितना नुकसान होगा लोकल लेने पे। ओवर इस मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्पेसिफिक ग्रेस ले लें आप, मतलब ये कहने का है कि आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, नंबर पे नंबर और वेरियंट पे वेरियंट। तो देखिए अगर आप ये प्रेफर कर रहे हैं तो ज़रा ज़्यादा बेहतर है, समझदारी इसी में होती है। देखें आपने अपना पैसा लगाना अच्छी चीज़ पर लगाना, ऐसे ही हर जब आप लोकल गाड़ी देंगे उस पर आपको कम मिलेंगे। अभी ये होंडा सिटी न्यू वाले से काफ़ी बेहतर है ना। रीज़न उसकी क्या है, एक तो JDM है, जैपनीज डोमेस्टिक मॉडल है। उसके अलावा इस ब्रेक्स ABS स्टैंडर्ड आपको मिलता है, हाइब्रिड इंजन मिलता है। हाइब्रिड इस टेक्नोलॉजी होंडा टोयोटा की वेल नोन है। व्यूअर्स अगर रेयर लुक की बात करूँ तो रेयर पर आपको टेल लैम्प, उसके अलावा LED लैम्प, इंडिकेटर लाइट, रिवर्स लाइट। अब इसी गाड़ी से इंप्रेस होकर नई होंडा सिटी की शेप भी है। इस गाड़ी का मैंने पहले भी रिव्यू किया था, वो मेरा ख्याल सिल्वर रंग में थी, इसमें मैंने बताया था कि नई होंडा सिटी इसी शेप में होगी। एरोडायनेमिकली एफिशिएंट भी ये गाड़ी है, लेकिन जो कट्स और है ना कटिंग वगैरह, वो नई वाली सिटी लोकल की ज़रा ज़्यादा एरोडायनेमिक है। इसमें आप देखें आपको वो एजेस नज़र नहीं आते बॉडी पे। उसके अलावा नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। कलर इस गाड़ी का काफ़ी यूनिक है, लेकिन मोस्टली लोग हमारे पाकिस्तान में यूनिक कलर प्रेफर यूनिक करते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल काम है भाई। सो व्यूअर्स इस गाड़ी की चाबी लॉक अनलॉक कर रहे इसके बटन के साथ। सो व्यूअर्स अगर डोर पैनल की बात की जाए, पावर विंडोज मिलती है, ड्राइवर वाली ऑटोमेटिक है, सेंट्रल लॉकिंग, मिरर लॉक, रिट्रैक्टेबल मिरर्स, ट्यूटर्स, हर चीज़ आपको इस गाड़ी में मिलती है। और एक प्रीमियम फील है, सबसे बड़ी बात ये इस गाड़ी के अंदर बैठ के आपको प्रीमियम फील होता है कि आप किसी हैवी गाड़ी में बैठे, एज जस्ट जिसे आप सिविक कह लें, ग्रैंडी कह लें, वो उससे भी ज़्यादा मज़ा ये गाड़ी देती है अगर आप इस गाड़ी में बैठे हैं सफ़र करें। सो व्यूअर्स ये देखें इस गाड़ी में इको मोड का बटन मिलता है, जो आपको नई सिटी लोकल में ही मिलेगा। रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, रडार और वॉशर्स मिल जाएंगे। अब ये देखेंगे चीज़ें सारी हैं कि एक बंदे को मजबूर कर देती है गाड़ी ख़रीदने पर। रीज़न उसकी ये है, देखें लोकल जो सिटी लेगा, काफ़ी लोग मुझे भी कॉन्टेक्ट करते हैं कि आप न्यू सिटी ढूंढने, जब स्टॉक था तब मिल जाती थी, अब तो जहरी बात है लोगों ने इतनी बुकिंग नहीं करवाई ना। उसके अलावा सो व्यूअर्स ये इस गाड़ी का स्टेयरिंग है, पावर स्टेयरिंग आता है इसमें, फुली स्पेक्ट आपको इसमें इस पावर स्टेयरिंग मिलेगा, जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा। उसके अलावा LED सेट, रीसेट बटन, उसकी सेटिंग मिलेगी आपको, कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन करने के लिए मिलेगा, शोर साउंड वगैरह फाइल की सेटिंग मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको नॉर्मल 1.8 ओरिजिनल में मिलती है, वो है पैडल शिफ्टर। अब काफ़ी लोग क्वेश्चन करेंगे जी पैडल शिफ्टर तो है, इनकी प्रैक्टिकलिटी क्या है।
देखें जो गाड़ियां बाहर जैपनीज गाड़ियां होती है उनमें मैं हमेशा कहता हूँ इनकी प्रैक्टिकलिटी अच्छी नहीं बहुत बेहतरीन है। उसकी रीजन क्या है ये देखें, आपको ना एक पावर फील होती है। अभी 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन है तो आप उस हिसाब से देखें इस गाड़ी को। अब इसको आपको इसका स्टार्टअप भी चेक करा देता हूँ। ये देखें स्पीडोमीटर का आप देख लें इसका। सो व्यूअर्स इस गाड़ी का स्पीडोमीटर है होंडा वेजल से काफी रिजेंबल करता है। मेरा ख्याल है 80% ही होंडा वेजल जैसे इसका स्पीडोमीटर है। पावर चार्ज वगैरह कितनी है सब यहाँ शो होता है। टाइम टेम्परेचर 73,000 किलोमीटर ड्रिवन है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। उसके अलावा इसमें ना दो मोड है, एक इको मोड है नॉर्मल है और स्पोर्ट्स है। बेसिकली पाकिस्तान में लोग समझते हैं दो ही मोड आते हैं इसमें, लेकिन इसमें होते तीन है क्योंकि इको के लिए भी स्पेशल बटन है स्पोर्ट्स के लिए भी। वैसे नॉर्मल चल जाती है। अभी स्पोर्ट्स बटन में करके देखता हूँ इसका स्पीडोमीटर कलर चेंज होता है या नहीं, इस तरह वेजल में होता है। ये देखें अब आरपीएम की रेंज बढ़ा दी है इसने स्पोर्ट्स मोड में, देख रहे हैं आप। उसकी रीजन क्या है कि जब स्पोर्ट्स मोड होगी तो गाड़ी फुल थ्रोटल अपना देती है। यहाँ पे देखें, ये देखें स्पोर्ट्स मोड ऑफ करते हैं, उसके अलावा गाड़ी रेडी है चलने के लिए। अगर इधर की बात कर लूँ इस साइड की, तो इस साइड पर आपको जेन्युइन टीवी मिलेगा। जेन्युइन टीवी लोग इसकी अहमियत नहीं समझते, लेकिन एज अ डीलर और एज अ इस फील्ड में होने से मैं आपको एक बात बताता चलूँ हमेशा की तरह के जेन्युइन टीवी की बहुत वर्थ होती है। बड़ी गाड़ी छोटी में तो इतना मैटर नहीं करता, बड़ी में आप यकीन करें डेढ़ दो 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 लाख ढाई ढाई तीन तीन लाख रुपए कम हो जाते हैं बड़ी गाड़ियों के, जस्ट लाइक प्राडो लैंड क्रूजर ये वो। उसके अलावा नीचे आ जाए तो नीचे आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, इसमें एसी ऑटोमेटिक हर चीज़ की आपको वो मिलेगी, ऑप्शन मिलेगी। पावर बटन इसके अंदर आता है। सो व्यूअर्स इसमें आपको ब्लू लाइट्स जली हुई नज़र आ रही होंगी, ये आफ्टर मार्केट है। इसमें इधर आपको यूएसबी की कनेक्टिविटी, एचडीएमआई केबल आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब लैपटॉप और गाड़ी की एलईडी कंट्रोल कर सकते हैं। पावर आउटलेट है, उसके अलावा यूएसबी की पोर्ट है, दो ग्लास होल्डर्स हैं, इस पर कवर नहीं आता। तो भी हाइब्रिड गाड़ियों की तरह इसकी गियर नॉब थोड़ा ब्लू शेड देती है इसे शो करने के लिए गाड़ी हाइब्रिड फैमिली से बिलोंग करती है। और उसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इधर आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा, आर्मरेस्ट मिल जाएगा, स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है। एयर बैग इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं और बिल्कुल न्यू एयर बैग हैं। और लोकल गाड़ी की तरह आपको वो भी टेंशन नहीं है पता नहीं खुलेंगे नहीं खुलेंगे। लोकल में तो आपको होता है ना कि पता नहीं खुले ना खुले, अलग ही टेंशन लगी रहती है इंसान के दिमाग में। सो भी इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, एयर बैग कर्टन एयर बैग भी हैं, स्टीयरिंग और डैशबोर्ड में भी हैं, ये बिल्कुल LEDs मिलते हैं आपको। उधर भी वैनिटी मिरर मिल जाएगा, एयर बैग टोटल आगे 4 हो गए 2 पीछे हो गए। तो ये अगर रेयर साइड की बात की जाए, रेयर पर लेग रूम हेड रूम की बात की जाए तो उस लिहाज से लेग रूम इज इनफ। मैंने अगली सीट फुल पीछे की है नीचे से भी और साइड से भी, क्योंकि मैनुअल इसमें सीट्स मिलती हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स नहीं आती। एसी वेंट्स और पीछे दो आउटलेट्स मिलेंगे आपको, वो भी पॉसिबल है तो दिखा देते हैं। यहाँ पे ये नज़र आ रहे होंगे, ये दो मिलते हैं, नई होंडा सिटी में भी दो ही आते हैं, मतलब उसको कॉपी नहीं करना था इन्होंने, तो इसलिए बस आपको पता है थोड़ा सिस्टम चला लेते हैं। उसके अलावा पीछे आपको भी लाइट मिलेगी, एयर बैग पीछे भी हैं, ये देखें। अब ये बात मैं करता हूँ, काफ़ी लोग मुझसे एग्री नहीं करते कि आप लोकल वाली गाड़ियों को बहुत डी वैल्यू करते हैं। देखें मैं डी वैल्यू किसी को नहीं करता, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि जब आपको इस पैसे में, हालांकि इम्पोर्टेड गाड़ी में इतने पैसे लोग कहते हैं हम भरें। देखें इम्पोर्टेड गाड़ी जापान से इतनी महंगी नहीं आती, ऊपर से आगे इधर आकर 150-200% जो कस्टम ड्यूटी लगती है ना गाड़ी, इसलिए महंगी हो जाती है। तो आप उस स्टेटस के हिसाब से देखें। अब 0 मीटर 73,000 चली, मैं फर्क में आवाज आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। काफी लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हम चली क्यों लें, 0 क्यों ना ले लें। देखिए अगर आपको गारंटी है कि इसके सेंसर पार्किंग सेंसर्स काम कर रहे हैं, एयर बैग काम कर रहे हैं, इसकी बैटरी हेल्थ 80% से अबव है, तो मेरा ख्याल है इस चीज पे कम्प्रोमाइज करना इजी है। क्योंकि जो भी गाड़ी आप लेंगे टायर उसके चेंज करवाने पड़ेंगे, नई ले पुरानी ले। हमारे लोकल में तो यारिस और सिटी के साथ ये सीन है कि अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है, अभी आप डीलरशिप निकलवा के लेके जाते हैं, कुछ गाड़ियों का टायर रिक्शा जैसे होते हैं, फिर आपको टायर चेंज करवाने पड़ते हैं। 165/65 का लगाएं, 170/65 का लगाएं, वो आपके अपने ऊपर होता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट होंडा ग्रेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद है, क्योंकि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।